आज मैं आ चुका हूँ अपने चैनल के एक और नई वीडियो के साथ। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत महीनों के बाद मैं बना रहा हूँ, क्योंकि दो कारण हैं, मतलब दो रीज़न है इसके। ये एक तो मेरे को जो पेपर है वो मिल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ओरिगैमी परचेज की थी। उसके बाद मतलब मेरी नानी के घर पर पड़ी हुई थी, तो मैं वहाँ से लाया था अपनी ओरिगैमी। और फिर और ये है कि मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या बनाना सिखाऊं, तो फाइनली मैंने चीज़ ढूंढ लिया है जो है 3.8 निंजा स्टार। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बार से उड़ा के दिखाता हूँ। तो अब ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं इसे, और ये खुल गया। तो मैं बताता हूँ ये क्यों खुला। मैंने इसे जानबूझ के खोला क्योंकि कभी कभार ये होता है कि इसकी जो जॉइनिंग होती है उसमें अगर आप इसको बहुत ज़ोर से फेंकोगे, इतनी ज़ोर से, तो फिर वो खुल जाता है। तो मैं आपको यही दिखा ये भी दिखाने वाला था कि ऐसे खुल जाता है ये। तो फिर अभी इसको आपको एकदम टाइट करना होगा, और आप तो आप देख सकते हैं कि ऐसा फ्लाई कर रहा है। आप अगर इसको अगर आप किसी आपको इसको बस ऐसे ऐसे प्यार से उड़ाना होता है, मतलब ज़्यादा जोर से नहीं। जो नॉर्मल कई निंजा स्टार होते हैं आप उनको ऐसे ज़ोर से करते हो तो वो उड़ जाते हैं। और आम तो मतलब मोस्टली लोगों के पास ऐसे निंजा स्टार होते हैं जो 4-pointed होते हैं। मैं आज आपको 3-pointed सिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपको पहले मटेरियल बताता हूँ। मटेरियल बस सिंपल है, आपको बस 3 ओरिगैमी शीट्स यानी कि 3 स्क्वायर पेपर चाहिए होंगे। तो एक स्क्वायर पेपर से ऐसा एक ब्लेड बनेगा, ऐसा एक ब्लेड बनेगा एक स्क्वायर पेपर से। तो इसलिए आपको 3 चाहिए होंगे। तो मैं आपको पहले ब्लेड बनाना सिखाता हूँ। ये हमने एक स्क्वायर पेपर ले लिया, फिर हमको जो ये वाला कॉर्नर है उसको इस वाले कॉर्नर पे लाना है। ये मैंने एक ऐसे ट्रायंगल बन गया। तो जो ये वाली जो एज आप देख रहे हो ना, ये इस कॉर्नर से लेते हैं इस कॉर्नर पे, उसको हम इस वाली एज पे लाना है ऐसे, ठीक है। तो फिर हमें उसके बाद जो ये वाली जो एज है उसको इस वाली एज पे लाना है। मतलब ये वाली तो इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी, तो ये ऐसे हो गया। फिर हमको इस वाली एज को इधर लाना है, इसको इधर लाना ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद जब ये थोड़ी बहुत ब्लेड की शेप ले रहा है, फिर हम इसे ऐसे ओपन कर देंगे। उसके बाद हमें इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लाना है, फिर हमें इसको ऐसे करना है जितना हो सके। और फिर देखिए जो ये जो बच रहा है यहाँ पे, जितना भी बच रहा है कोई बात नहीं। अगर आप किसी जो बड़ा स्क्वायर पेपर होता है आप उसको स्क्वायर पेपर बना देते हैं एक रेक्टेंगल को, उससे ये थोड़ा और ज़्यादा कवर करेगा। ये ओरिगैमी इसलिए थोड़ा सा कम कर रहा है। उसके बाद जो ये वाली जगह है जिस पर मैंने अपनी अभी फिंगर डाली, इस वाली जगह में आपको इसे ऐसे डाल देना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक ब्लेड। अब आती है इसकी जॉइनिंग। तो यहाँ पे मैंने ऐसे 3 ब्लेड ले रखे हैं। तो इसमें जॉइनिंग में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो ये वाली जगह जहाँ पे हमने ये फोल्ड किया है फ्लैप, उस जगह की जो ओपोजिट साइड है जहाँ पे फ्लैप नहीं डला हुआ, यहाँ पे और ऐसे जहाँ पे फ्लैप नहीं डला हुआ है, उस जगह पे हमको जो दूसरा ब्लेड है एक, उसका जो ये वाला पॉइंट है उधर डाल देना है। और हमें जो ये वाला ब्लेड का जो पॉइंट डाल रहा है, हम ऐसे नहीं डाल सकते कि इस वाले फ्लैप की उस तरफ आ जाए, वरना फिर हमको इस वाले फ्लैप इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे डालेंगे कि ये ऊपर की तरफ हो जहाँ पर फ्लैप ना हो, फिर हम ऐसे डालेंगे, ठीक है। तो हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, कभी कभार डाल के जो ये इधर से आप देख रहे हैं ना, इधर से ये बाहर निकल आता है तो वो सही नहीं होता। तो इसलिए आप थोड़ा सा गैप रख के, हो गया ये। तो जो अब ये वाला पॉइंट है हमें उसे ऐसे नहीं डालना है, वरना फिर ये तो इस फ्लैप के अंदर जाएगा। तो हमें इसको ऐसे डालना है कि ये वाली ऊपर रहे साइड, फिर इसको हमें यहाँ से ऐसे करना है। ये बीच बीच में जॉइनिंग में कई स्टार होते हैं जो टूट जाते हैं, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही आपको आ जाएगी जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो फिर अब
ये जो लाइट पेपर से बने हुए स्टार होते हैं, जो फैन की जो हवा आती है ना, वो इनको एकदम नीचे डाउन कर देती है, तो फिर वो ढंग से उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसे। तो ये आप जो ये बीच में जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना, आपको जितना हो सके, ये नहीं कि ज़बरदस्ती इसको बंद करना, जितना हो सके अब इसको उतना बंद करने की कोशिश कीजिए। ये बन गया, तो अब ये हमारा इसके जैसा बन गया है। तो अभी तो मैंने इसको, मैं आपको एक और बार जॉइनिंग भी बता सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसे यहाँ पे डाला इस वाली साइड से, इसको हमने डाला इस वाली साइड से, इसको हमने यहाँ से पहले ऐसा करा, फिर इसको यहाँ से। तो अब ये दोनों सेम लग रहे हैं एकदम, 3-pointed निंजा स्टार। तो मैं एक बार आपको इसे उड़ा के भी दिखाता हूँ, तो आप फैन बंद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखा, अब वो ऐसे फ्लाई करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक कीजिए और हमारे चैनल क्राफ्ट मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।